कई बार मन में ऐसा होता है कि कोई एक विचार इतनी बुरी तरह से घुस जाता है कि बिल्कुल थमने का नाम ही नहीं लेता है, और एक विचार से क्या क्या हो सकता है इस चीज को हर एक व्यक्ति बिल्कुल भली भांति अच्छी तरह से जानता है कि विचारों में कितनी शक्ति होती है। बल्कि ये डिप्रेशन, टेंशन या जितनी भी मानसिक परेशानियां होती हैं, ये सब कुछ केवल विचारों की ही देन है, जिससे आजकल काफी लोग परेशान रहते हैं। बल्कि आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे कि इतना परेशान हो जाते हैं, एक विचार से सिर्फ इतना परेशान हो जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, कैसे विचारों को शक्ति प्राप्त होती है, कैसे एक विचार चलकर हजार विचारों में बदल जाता है, और कैसे इंसान खुद को ही अपने सामने बिल्कुल लाचार पाता है जबकि सारी भागदौड़ उसी के हाथ में है, फिर भी अपने आप को ऐसे लाचार पाता है, अपने स्वयं की जान ले लेते हैं जैसे बाहर से उन्हें कोई चीज परेशान कर रही हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा विचारों के खेल के बारे में, इनके नियम के बारे में, कि ये कार्य कैसे करते हैं, कैसे एक विचार सृष्टि का निर्माण कर सकता है और कैसे एक ही विचार सृष्टि को तबाह भी कर सकता है, और यही सारे लोग आजकल करते हैं। कैसे ये सब कुछ होता है, अगर इसे जानना है तो विचारों की गहराई को समझना और उन्हें जानना बेहद आवश्यक है। विचारों के बारे में कि कैसे ये खेल को रचते हैं, कैसे ये माया की मूल जड़ है और कैसे इनसे बड़ी आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। इस चीज को समझाने से पहले सबसे पहले तो मैं बोल दूं हर हर महादेव, और आप भी बोल दो हर हर महादेव, क्योंकि हर हर महादेव ही है। महादेव अद्वैत है, शून्य है, परम सिद्धि है। कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि हर हर महादेव आखिर कहा क्यों जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि जब कुछ भी संसार में नहीं बचता है तो केवल शून्य बचता है। शून्य ही वह मूल जड़ है, वह बीज है, या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि उस बीज से भी पहले की अगर कोई चीज है तो वह शून्य है, बिल्कुल ब्लैंक स्थिति, जहाँ ना तो कोई विचार है, ना ही कोई चीज है, ना ही कोई सत्य है और ना ही कोई झूठ है। बिल्कुल शून्य, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल राख, बिल्कुल मिट्टी, जहाँ सब कुछ ही खत्म है, जहाँ कुछ भी नहीं है, वही केवल महादेव है, यानी कि शून्य है। और ऐसी इस दुनिया की कोई भी चीज नहीं है जहाँ शून्य का वास नहीं है। अगर किसी भी चीज को गहराई से आप देखोगे, उस चीज को देखते हुए उस चीज को मिटा भी दोगे, तब भी वहाँ एक चीज निश्चित बचने वाली है, वो होता है शून्य। इसीलिए हमेशा कहा जाता है हर हर महादेव, क्योंकि महादेव को शून्य कहा गया है, बिल्कुल परम सिद्ध। यही वजह है कि उनकी जो मूर्तियां होती हैं, तस्वीरें होती हैं, वह शमशान में लगाई जाती हैं, जहाँ हर एक चीज जाकर बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। वो बात अलग है कि भगवान शिव के नाम पर ना जाने क्या क्या झूठी कथाएं और झूठी झूठी चीजें बताई जाती हैं, और ना जाने क्या क्या मनगढ़ंत कहानियां बना दी जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति परम शिव में लीन रहता है, वह एक न एक दिन शून्य को जान ही लेता है, उसे पता लग ही जाता है कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। अब बात करते हैं विचारों की, तो विचार क्या है। विचार को माया कहा गया है, और इस बात को बेहद जानना समझना आवश्यक है कि जितनी माया बाहर है उससे कहीं ज्यादा हजार की तादाद में अंदर वास करती है। यानी कि अगर इंसान से सब कुछ छीन लिया जाए, जैसा कि काफी लोग सन्यासी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो परम रहस्य को, परम सिद्धि यानी कि शून्य को पा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पा सकते हैं, इसका भी जो जवाब है वह विचारों में ही छुपा गया है कि जितनी माया बाहर दिखती है उतनी ही माया अंदर भी वास करती है। यानी कि अगर इंसान को चुप बैठने के लिए कहा जाए तो वो बिल्कुल चुप नहीं बैठ सकता है। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको एक कमरे में अगर बंद कर दिया जाए, खाने पीने की सारी सुविधाओं के साथ बंद कर दिया जाए और एक महीने बाद खोला जाए, तो बिल्कुल संभावना है कि वो व्यक्ति आधा पागल होकर ही निकलेगा। और वो क्यों निकलेगा, वो भी इसीलिए निकलेगा क्योंकि अंदर ही अंदर उसके इतनी माया खेलने लग जाएगी, इतनी माया उत्पन्न हो जाएगी, तो वह अपने खुद के ही सवालों का जवाब तक नहीं दे पाएगा और उसी में इस प्रकार से मकड़ी की तरह उलझकर रह जाएगा कि उसे खुद भी कुछ समझ में नहीं आएगा। यही वजह होती है जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, खुद को हारा हुआ महसूस कर लेते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि उनके जो विचार होते हैं उन पर इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि उन्हें हर जगह अंधेरा ही दिखाई देने लग जाता है। अगर किसी इंसान के पास सब कुछ है, बल्कि सुसाइड करने वाले जितने लोग होते हैं ऐसा देखा गया है कि उनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वो जिंदगी से हार जाते हैं, वो भी केवल इसीलिए होता है कि उनके विचार उन पर इस कदर हावी हो जाते हैं कि हर जगह उन्हें अंधकार और शत्रु ही दिखाई देता है।
तो विचारों की शक्ति को तो आप समझ गए हैं कि विचार आखिर क्या क्या कर सकता है। वो विचार ही है जो एक सृष्टि को बना देता है, और वो भी एक विचार ही है जो एक सृष्टि को भी तबाह कर सकता है। और ऐसा अक्सर इसीलिए होता है कि जो व्यक्ति ज्यादातर लगातार सोचते हैं, उनका दिमाग जो होता है वो इतना चल चल कर थक जाता है कि कुछ कर ही नहीं पाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग होती है, या किसी भी व्यक्ति को होती रहती है, तो उसे ज़्यादातर वीडियोस में जो YouTube पर उपलब्ध हैं उनमें ये बताया जाता है कि पॉजिटिव सोचा करें। और जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो जिन लोगों को मेंटली परेशानी होती है, OCD, टेंशन, डिप्रेशन या किसी भी तरह की मानसिक परेशानी हो सकती है, ऐसे में अगर वो पॉजिटिव सोचने की कोशिश भी करते हैं तो और अपने आप को और उलझा हुआ पाते हैं, यानी कि उनकी मानसिक स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है। और ये भी देखा जाता है, जैसा कि बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि दिमाग में पहला विचार चले तो उसको रोक दो, तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि अगर किसी भी चीज़ को रोकने की कोशिश आप करोगे, खास करके दिमाग के विचारों को, तो वो विचार दुगनी तेजी से चलता है। अगर मैं आपको अपना हाथ दिखाऊं और ये बोलूं कि मेरा हाथ देखते हुए चांद के बारे में नहीं सोचना है, तो दिमाग ऑटोमेटिक ही चांद को पहले पकड़ेगा, हाथ को बाद में देखेगा, सबसे पहले चांद को ही देखने लग जाएगा। वो भी इसीलिए होता है क्योंकि दिमाग जो होता है हमारा, वो ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड पर कार्य करता है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में आपको काफ़ी बार बताया भी है, अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देख लो, जिससे दिमाग की गहराई को समझ सको। सबसे पहला तो आप ये जानो कि हमारा जो दिमाग होता है वह बिल्कुल ऑटोमेटिक मोड पर अपने आप ही कार्य करता है। अगर इसे कुछ बताने की या समझाने की या कहने की कोशिश करी जाती है तो ये और ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। यही वजह है कि जो लोग पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं उन्हें कुछ समय के लिए तो अच्छा लगता है, जबकि वो अपने दिमाग को और थका रहे हैं। आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर किसी गाड़ी को चलाकर छोड़ दिया जाए और ये कहा जाए कि अगर इस गाड़ी को ठंडा करना है तो इसमें और एक्सेलरेटर दो और चलाओ, तो ऐसा कभी हो सकता है क्या कि गाड़ी को रिलैक्स मिल जाए? गाड़ी केवल तभी कूल हो सकती है जब उसे बंद करके छोड़ दिया जाए। इसी प्रकार से दिमाग कार्य करता है। जब किसी व्यक्ति का दिमाग नेगेटिव मोड पर होता है तो किसी भी तरह की कोई भी पॉजिटिव विजुअलाइजेशन उसके लिए काम नहीं करती है, और तब तक काम नहीं करती है जब तक वह अपने आप को बिल्कुल एक शून्य स्थिति में लेकर नहीं आ जाता है। जैसे कि जब तक कोई इंसान अपने आप को बिल्कुल रोक ना दे, थाम ना दे, तब तक उसके जीवन में उस नेगेटिव इमोशन से या नेगेटिव फीलिंग से टर्निंग पॉइंट हो ही नहीं पाता है। विचार एक तरह से इस प्रकार होते हैं कि जैसे अगर किसी समुद्र में लहरें उत्पन्न हो रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, तो आपने अगर कभी समुद्र को देखा होगा तो ये बिल्कुल एक दिमाग की स्थिति को दर्शाता है। अगर लहरें आ रही हैं तो तब तक थमने का नाम नहीं लेती हैं जब तक वह शून्य स्थिति में नहीं आ जाती हैं। जैसे कि मान लो कि अगर आप समुद्र के किनारे खड़े हो और बहुत तेजी से लहर आपकी ओर आ रही है, वह तब तक वापस नहीं लौटती है जब तक वह अपनी लहर को पूरा करके थमती नहीं है। जब थम जाती है तभी वापस लौटती है। बस वही हाल दिमाग का है कि अगर आप अपने मन को नेगेटिव से पॉजिटिव में करना चाहते हो तो उसे रोकना और थमना बेहद आवश्यक है। लेकिन ये विषय हो जाता है बहुत ज़्यादा गहराई का, जो काफ़ी लोगों के लिए संभव नहीं है। लेकिन दिमाग की एक और खासियत मैं आपको बता देता हूँ। दिमाग एक ऐसा नौकर है जिसकी शर्त केवल आपसे इतनी है कि मुझे काम बताते रहो, जहां तुमने काम बताना बंद किया वहीं मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दिमाग यही कहता है, यही करता है, और यही आजकल लोगों के साथ हो रहा है। इसलिए वो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं जिनके पास कोई भी काम, कोई भी लक्ष्य, कोई भी गोल नहीं है। जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे समझते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम तो बड़े सुख से रहेंगे, लेकिन यकीन से मेरी बात को इस जानो और इसे समझो भी कि रिटायरमेंट के बाद जितना दुख इंसान झेलता है उतना दुख वह मजदूरी में भी नहीं झेलेगा, क्योंकि दिमाग एक ऐसा नौकर है, उसे काम पर लगाते रहोगे तो यह परम सेवक की तरह कार्य करता रहेगा। जहाँ तुमने इसे खाली छोड़ा वहीं यह परम शत्रु की तरह कार्य करता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपने दिमाग के विचारों को ना तो रोक पाते हैं ना ही थाम पाते हैं। उनके विचार इस कदर उन्हें घुमा कर रख देते हैं कि वे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि इस दिमाग को कोई कार्य दो, इसे कोई गोल दो। जैसे किसी नौकर को काम दिया जाता है, उसे काम में लगा दिया जाता है, अगर वो खाली बैठता है तो वो तो जान आपकी नहीं लेगा, लेकिन दिमाग जरूर जान ले लेता है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि वो लोग कैसे करते हैं जो बिल्कुल एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, कोई भी काम उन्हें नहीं है, बिल्कुल ध्यान की गहरी स्थिति में वह पहुंच जाते हैं, वो कैसे करते हैं? तो इसका जवाब भी यही है कि अंदर ही अंदर वो अपने दिमाग को एक कार्य पर लगा देते हैं, यानी कि
एक शून्य की जो स्थिति होती है, जो भगवान शिव ने बताई है कि विचारों से अपना मेल जोल ही खत्म कर दो। विचार जो होते हैं बिल्कुल एक पैरासाइट साइको की तरह कार्य करते हैं कि अगर उन्हें आप अपना मानते हो तो इनमें ताकत आ जाती है, और इन्हें आप ये मानते हो कि ये बस एक हवा है, ये बस एक लहर है, तो तुरंत ये खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन जो शून्य की और गहराई की जो स्थिति होती है वह अपने आप को अंदर से गिराने की स्थिति होती है। यही वजह है कि जो लोग ध्यान की ओर जाते हैं उनका अपने आप ही ऑटोमेटिक ही सब कुछ पीछे छूट जाता है, यानी कि जितने भी नेगेटिव इमोशन है, अहंकार है, अहम है, मोह है, माया है, सब कुछ छूट जाता है। वो इसीलिए छूट जाता है और बिना किसी के कहे ही छूट जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि अंदर वो अपनी माया को एक एक करके गिराना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर आप आंखें बंद करोगे तो आपका दिमाग आपको कुछ ना कुछ दिखाता है, बताता है, खास करके वही बताएगा जो आपके जीवन में परेशानी है। जैसे कि पैसों की परेशानी है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये आदमी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे तो मेरा प्रेमी ही नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार के जितने भी विचार हैं, यानी कि जिस चीज़ की आपके जीवन में कमी है, वही दिमाग खड़ी करने लग जाता है। तो शून्य की स्थिति हमको ये बताती है कि जिस भी चीज़ की जैसी भी कमी हो, जैसे कि मान लो अगर आपका दिमाग ये कहता है विचारों को रोकने का केवल यही विज्ञान है जो हर एक साधक अपने ध्यान में इसका उपयोग करता है। जैसे कि अगर मान लो आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी है, आपके पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, पैसे नहीं है, तो दिमाग वही बोलता है। या फिर अगर आपको कोई मानसिक परेशानी है, कोई एक ऐसा थॉट है जो आपको लगातार परेशान कर रहा है, तो ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि उससे बचने की, उससे भागने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका मूलाधार एक्टिवेट हो जाता है। या कुंडलिनी विज्ञान में बताया भी गया है कि अगर मूलाधार ब्लॉक हो जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि एक चेतावनी वाला मोड एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वह अपने आप को एक होपलेस स्थिति में पाता है। क्योंकि हमारा जो मूलाधार तत्व होता है वह डर का एक स्पॉट होता है। अगर वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाए या वहाँ पर बंद हो जाए, जैसे कि अगर आप किसी चीज़ से भागते हो, भागने की कोशिश कर रहे हो, डर रहे हो, तो तुरंत मूलाधार सिकुड़ जाता है और बंद हो जाता है। तो विचारों को रोकने का जो नियम है वो भी मूलाधार में छुपा हुआ है, क्योंकि मूलाधार एक इंसान की जड़ होती है। इसी एक वीडियो में विचारों के नियम, ध्यान के नियम, शून्यता के नियम और कुंडलिनी के नियम भी मैं बहुत ही धीरे धीरे आपको छोटा छोटा करके बता रहा हूँ, तो इन्हें सुनते जाएं। जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ से भागते हो, जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं भूत प्रेत आदि से बहुत ज़्यादा डरते हैं और उनसे भागने की, बचने की, या उनसे डरते हैं और उनसे भागने की कोशिश करते हैं, जैसे ही ये स्थिति उनको अपनाते हैं, वो करते हैं, तुरंत उनका मूलाधार बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और बस वहीं से फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि उस व्यक्ति के दिमाग में ऐसी स्थिति होने लग जाती है कि यहाँ से भाग जाओ या लड़ने लग जाओ, जबकि ये दोनों ही स्थिति का उसे इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मूलाधार को एक्टिवेट रखना है तो मन को इतना मजबूत बनाना है कि किसी भी चीज़ से मत डरो। जैसे कि अगर आपके मन में कोई विचार आता है, कोई नेगेटिव थॉट आता है कि आपके साथ ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, या भूत प्रेत आपके पीछे पड़े हुए हैं, कोई आपसे बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये बहुत सारी मानसिक परेशानियाँ इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि एकदम से आपकी सेहत ख़राब होने वाली है, कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ बेचैनी सी हो रही है, घबराहट सी हो रही है, तो वो भी केवल इसीलिए होती है कि आपका मूलाधार बंद हो गया है। वहाँ पर महाकाली का वास होता है जो कि डर की देवी है, यानी कि जिनके सामने डर भी अपने घुटने टेक दे वो महाकाली देवी होती हैं। और जिन लोगों की महाकाली यानी कि मूलाधार ही ब्लॉक हो जाए तो ऐसे लोगों को बहुत चिंता, बहुत घबराहट और बहुत बेचैनी सताने लग जाती है। तो ऐसे में केवल उन्हें इतना करना है कि जो भी जिस भी तरह का डर है, चाहे कोई किसी भी चीज़ से डर लगता हो, उसको चैलेंज कर दो। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास ये नहीं है, तो अपने आप को ये बोलो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको ये लगता है कि भूत प्रेत आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो आंखें बंद मत करो, आंखें खोलो और आंखें खोल कर देखो कि कहाँ है, कैसा है, कौन है, भूत प्रेत क्या है, कैसे है, सब कुछ आंखें खोल कर देखने की कोशिश करो। किसी भी कैसी भी स्थिति में भागने की और बचने की कोशिश बस मत करो। जैसे ही ऐसा करोगे दिमाग तुरंत सरेंडर कर देता है, क्योंकि जिस तरह से एक छोटे बच्चे को डराया जाता है कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, तो दिमाग भी यही खेल खेलता है कि ऐसा कर लो या वो कर लो, ये कर लो, तो व्यक्ति उसी जाल में फंसता चला जाता है। अगर आप अपने दिमाग को बोल दोगे कि हो जाने दो, जो होना है, मुझे कोई भी किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे ही दिमाग को ये कमांड दोगे तुरंत दिमाग सरेंडर कर देगा।
और उसी समय बिल्कुल शांत हो जाएगा। जिन लोगों को मानसिक परेशानियां हैं, ओसीडी है या जितनी भी जैसी भी मानसिक परेशानियां हैं, उन्हें बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। उसकी डिटेल जानकारी मैं अपने कोर्स में सिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ, और इस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ को भागने की, करने की, कुछ भी कहने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। दिमाग जैसा भी, जो भी डर दिखाए, अगर उस डर पर जीतना है तो उसको ये बोल दो कि हो जाने दो। दिमाग ये कहता है भूत प्रेत आएगा, मार डालेगा, तो उसको बोलो भूत प्रेत को भी आने दो, भूत प्रेत के साथ बैठ के आज बात करेंगे। तुरंत जैसे ही ऐसे बोलोगे, खुद भूत प्रेत भी डर कर भाग जाएगा, क्योंकि इंसान से बड़ा भूत और इंसान से बड़ा प्रेत इस दुनिया में कोई भी नहीं है। भूत प्रेत स्वयं इंसानों से डरते हैं। लेकिन बहुत आश्चर्य होता है, जहाँ पर पंडालों में तरह तरह के चीजें कराई जाती हैं, दिखाई जाती हैं और तरह तरह की डर बनाया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी कोई डर आपको डराता है, उसका केवल एक ही विज्ञान है कि उस डर को ललकार दो, आंखें खोलकर उसके सामने खड़े हो जाओ एक योद्धा की तरह। बस तुरंत उसी समय, उसी एक सेकंड में जादू क्या होता है वो अपने आप खुद देख लेना। और इसी को कुंडलिनी विज्ञान में समर्पण कहा जाता है, यानी कि अपने डर को ही समर्पित हो जाओ, अपने डर को ही ललकार दो और डर पर चढ़कर बैठ जाओ, जो महाकाली रिप्रेजेंट करती हैं। कुंडलिनी विज्ञान के ऊपर और भी ज़्यादा बहुत सारी वीडियो में आने वाले वीडियोस में बनाऊंगा। विचारों को रोकने का नियम क्या है वो भी मैंने आपको बताया है कि किसी विचार पर जीतना है तो उसे रोको मत, बस उसे कैजुअली लेना शुरू कर दो और कह दो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस उसी समय विचारों की जो लहरें हैं तुरंत समाप्त हो जाती हैं, तुरंत शांत हो जाती हैं और दिमाग गहरी शांति में पहुंच जाता है। इतनी गहराई से दिमाग की जो परतें होती हैं वह केवल वही जान पाता है जो कुंडलिनी विज्ञान को भी पूरी तरह प्रैक्टिस करता है और हर एक चीज़ को सही से जानता है और समझता है। वही दिमाग के खेल को जान पाता है और एक एक करके इन्हीं चक्रों के माध्यम से अपनी सिद्धियों को खोलता ही चला जाता है। क्योंकि ये सात जो चक्र होते हैं, कई लोग ऐसा समझते हैं कि दिमाग केवल एक ही है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि सातों चक्र दिमाग की भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। अगर ये कहा जाए कि ये सातों चक्र भी सात दिमाग होते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और ये जितने विज्ञान है, कुंडलिनी विज्ञान, मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, ये सब भगवान शिव की देन है, जो शून्य से प्रकट हुआ है और बिल्कुल शून्य है, अद्वैत है, इसीलिए हर हर महादेव है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, खुश रहो, खुशी फैलाओ और हमेशा खुश रहने के लिए देखते रहो गोल्डन फ्लावर।